स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। पर वो पढ़ने से पहले हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक्चुअल में होता क्या है? तो ह्यूमन राइट्स जो है वो राइट, जब भी कोई पर्सन बॉर्न होता है तो उसके साथ ही उसे जो राइट्स मिलते हैं उसे बोला जाता है ह्यूमन राइट्स, जिसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। हमारे ह्यूमन राइट्स जो है वो यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने 10th दिसंबर को दिए थे, इसीलिए हम 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स पहले ये याद रखना है, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम सब को पता है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे राइट्स है तो हमें मिलने चाहिए, तो एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स है क्या? तो 6 पॉइंट्स है। पहला है राइट टू इक्वालिटी। पहले मैं 6 पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। थर्ड वन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? सबके लिए इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट राइट है उसमें ये है कि हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके लिए ये राइट कैसा है? इक्वल। अब चाहे वो पुअर हो या फिर रिच हो, या फिर कोई नॉमिनल पर्सन हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, सबके लिए हमारा जस्टिस जो है वो कैसा रहेगा? सेम। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है उसमें हमें बहुत सारी फ्रीडम मिली है, जिसके पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर मीम्स बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं, जो कि आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, और न्यूज़पेपर्स अगर जो पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में मोदी जी के बड़े बड़े कार्टून्स बने हुए थे। तो वो क्यों बना सकते हैं हम? क्योंकि हमें फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन की। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर वो अपने ऑनरेबल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, पर हमें ये फ्रीडम मिली है। नेक्स्ट है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि किसी को फोर्स नहीं करना और आप लोग पीसफुली रह सकते हैं। थर्ड वन है टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, यानी कि आप कोई भी अपना यूनियन बना सकते हैं और एसोसिएशन भी बना सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है टू मूव फ्रीली, यानी कि आप इंडिया के कोई भी पार्ट जो है उसमें आराम से घूम सकते हैं, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कश्मीर जाने के लिए थोड़ी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसके कोई भी पोर्शन में आप रह सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो आपको ये फ्रीडम मिली है कि आप लोग कोई भी प्रोफेशन जो है वो कर सकते हो, जैसे कि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, कोई जो है बिजनेसमैन है अपना ट्रेड कर रहा है, ये सारे जो है वो कोई भी प्रोफेशन हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। होप इट्स क्लियर, राइट टू फ्रीडम। अब आता है थर्ड हमारा जो राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कोई भी वे में, मेंटली या फिजिकली, तो आपके पास राइट है कि आप गवर्नमेंट से हेल्प मांग सके। फोर्थ वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमें ये पता है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ वन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें कल्चरल राइट्स जो है उसके हिसाब से हम अपने कल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एजुकेशन राइट्स, जिसमें RTE 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, जिसके अंडर ऐसा था कि 6 टू 14 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रन है, यानी कि पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, उनको गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। एंड सिक्स वन, लास्ट वन हमारा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसकी जरूरत क्यों है जब हमारे पास ये पांच राइट्स है? फिर भी अगर सपोज आपके पास सारी चीजें है पर उसका यूज आप ना कर सको तो क्या करोगे? तो ये पांच राइट्स जो है, अगर ये राइट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो हम किससे जाकर मांगेंगे हमारे राइट्स, ठीक है। तो उसी के लिए ये राइट बनाया हुआ है
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर ये पांचों राइट में से कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम हमारी गवर्नमेंट के पास जस्टिस मांगने जाएंगे कि हमारे ये राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप हमें हेल्प कीजिए. ठीक है, होप इट्स